अरे सॉरी एक मिनट सर प्रिंस भाई इसको बना लो मुझे ऐसे लाइट का अरे लाइट भाई लाइट चालू रखो भाई कोई लाइट चालू ना आगे रूपा जी के आगे शिखा जी के आज बर्थडे है और आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और आपकी क्या कहना चाहेंगे गाना चलेगा भाई यार अरे गाना चलेगा ना हीरोइन शिखा जी बहुत खुश रहे और ऐसे ही फिल्म प्रोड्यूस करती रहे और खूब नाम कमाए खूब नाम रोशन करें मेरी यही ढेर सारी शुभकामनाएं है थैंक यू सो मच रूपा जी आप क्या कहना आपका भी बुलावा आ रहा है शूटिंग में रूपा जी बर्थडे क्या मिस करना चाहिए रितु जी रितु जी नामकरण कर दिया आज आपने एक दूसरा चेहरा देखा नहीं तो सामने वाले का नाम भूल गए ए भाई हाथ मत डालो हाथ मत डालो सबसे पहले अपनी तरफ दोस्तों दर्शकों को प्रणाम मेरे तरफ से और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूं कि आज बहुत ही मिदिन है क्योंकि शिखा जी का जय माता दी शिखा जी का बर्थडे है कोई नहीं माता जी को बजाय आज मूवी की शुरुआत फर्स्ट डे है रूपा जी गाना शूट हुआ दिन हमारा शॉट हुआ और ड्यूरिंग शूट हम अभी केक काटने का ले रहे हैं बहुत मजा आया और मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं शिखा जी से मैं पहली बार आ रही हूँ कि ऐसे ही ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा ऐसे खुश रहें स्वस्थ रहें और ऑलवेज शी शुड बी हैप्पी आज फिल्म की शूटिंग है शूटिंग के साथ साथ बर्थडे केक कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग और बर्थडे मैं खुल के नाच नहीं पा रही फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं ओमकारा फिल्म क्या कहना चाहेंगे अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं इसमें आप प्रिंसिपल हीरो हैं और आप और रूपा जी दो हीरो ने हैं नहीं हम और रूपा जी सौतन हैं फिल्मी सौतन एंड प्रिंस जी इस नायक हैं और बहुत अच्छा जो तिगड़ी दिखेगी तो अच्छा लगेगा आप हमारे सबसे प्यारे इकलौते ठीक है साले हैं और अगर ये जिस चीज पे हाथ रख देते वो इनकी होती है आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से विश करना चाहेंगे मैं तो सिस्टर के साथ बहुत टाइम बाद बर्थडे मना रहा हूँ कम से कम 2.5-3 साल हो गए उसके बाद मुंबई में आके बर्थडे मना रहा हूँ कभी टाइम नहीं मिलता मेरे को क्योंकि जो टाइम और सब टाइम तो मेरे को टाइम नहीं मिलता मेरे को बहुत खुश है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना सिस्टर के साथ इस टाइम हूँ इस टाइम को बहुत 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 महत्वपूर्ण है मेरे लिए बहुत इस टाइम के ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है खुशखबरी हमारी खुशी दोगुनी इसलिए हो गई बर्थडे भी है और मेरे गाने से भी शुरुआत हो गई आज इस फिल्म का तो हम बहुत ऑल द बेस्ट उनको बोलना चाहते हैं नई फिल्म के लिए बहुत अच्छा करें ये फिल्म सबके साथ पूरी टीम के साथ आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं तो कुछ म्यूजिकल बर्थडे अभी तो यहाँ अपने गाने तो नहीं गा सकते अब इतना ही कर सकते बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे बोलो बोलो रोल रोल जय जी क्या कहना चाहेंगे बर्थडे पे आप विश करने आए हैं सबसे पहले तो मैं शिखा जी को जन्मदिन की ढेर सारी और भगवान करे कि हर 3 दिन पे इनका बर्थडे आए क्योंकि जितना सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया सर हर 3 दिन एक मिनट एवा हो गया खत्म उसी को एंजॉय कर सकेंगे आप मुझे जल्दी छुट्टी करना चाहते हो यार 3 दिन मेरा बस यही कारण हां सर हो गया हर 3 दिन पे जन्म पूरा हिंदुस्तान को प्रणाम आज हम लोग शूट कर रहे हैं मुंबई में हमारे बहुत ही एक बड़ी फिल्म बहुत ही बेहतरीन फिल्म ओमकारा का गाना शूट कर रहे हैं जी इस गाने में आपके साथ कौन नजर आ रहे हैं हाँ इस गाने में हमारे साथ है रितु सिंह जी हैं जिनके साथ एक गाना है और एक रूपा सिंह जी हैं दो गाना हम लोग शूट कर रहे हैं तो एक में रितु सिंह जी हैं एक में रूपा सिंह जी तो इस फिल्म के बारे में क्या किस तरह फिल्म बनने के जोनर की फिल्म होगी जी इसके पहले मैंने किया था नरसिम्हा जो कि फुल एक्शन फिल्म थी बहुत ही बेहतरीन बनी है उससे भी बड़ी बनने जा रही है ओमकारा सारे हमारे टेक्नीशियन हमारे डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर सब लोग जी जान लगा के इस फिल्म को बड़ी और अच्छी बनाने में लगे हुए सर जैसे कि ओमकारा में एक सीधा साधा लड़का रहता है ओम कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कुछ ऐसी घटना होती है जिससे कि ओम से ओमकारा बनता है सर जिस हिसाब से मतलब अभी तक आपकी मूवी हो चुकी है तो आपका आगे का मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके
अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से? अभी तो रिलीज होने वाली जो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है 2020 में, वो है अपना नरसिम्हा है, रामकृष्ण बजरंगी है, विदाई 2 है, ओमकारा भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, ये है। नेक्स्ट फिल्म मैं कर रहा हूँ द ग्रेट भैया जी वास्तव क्रोधी, जो कि अपकमिंग फिल्म है मेरी। अच्छा सर, जो इसके पहले जो आपकी इसके पहले जो रिलीज होने वाली ओमकारा के पहले, तो उसके कब तक रिलीज हो जाएगी? अभी 10 अप्रैल को डेट फाइनल हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फिल्म है मेरी नरसिम्हा, 10 अप्रैल को ऑल इंडिया रिलीज करने का डेट चल रहा है। सर, उसमें कैसा रोल है आपका, क्या करने वाले हैं आप, उसमें क्या नया है? नरसिम्हा में जो है फुल एक्शन मूवी है, एक अलग करेक्टर है, एक मैंने उसका गेटअप बहुत बेहतरीन मैंने लिया है, हर चीज कमर्शियल फिल्म है। एक फैमिली के साथ देख सकते हैं ऐसी मूवी है? बिल्कुल, मेरी सारी फिल्में सबसे पहले रिलीज होती है तो मैं अपने घर जाता हूं, अपने माँ बाप बहन भाभी सारे परिवार के साथ हम बैठ के देखते हैं। सारी मेरी फिल्में साफ सुथरी होती है, किसी भी फिल्म में बलगट्टी नहीं होती है, बलगट्टी के हम हमेशा खिलाफ रहते हैं। नरसिम्हा की लोकेशन क्या क्या है, शूटिंग की गई है? नरसिम्हा का लोकेशन है जो 35 दिन हम लोग शूट किए थे, लखनऊ में किए थे, उसके बाद से मुंबई में किए, नैनीताल में किए थे, 3-4 जगह पे शूट। और सर, जो ओमकारा है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है? जी, ओमकारा का अभी शुरुआत हम लोग मुंबई से किए हैं, जो कि 2-3 दिन का यहाँ शूटिंग है, उसके बाद से हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। की बात करें तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ओम से आपको ओमकारा बनना पड़ा, क्या क्या वजह है? ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि जो कोई सीधा साधा इंसान कुछ मजबूरी हो जाता है कि जो वो अपना कुछ होता है, ऐसी घटना ओमकारा में भी ऐसे घटना है कि जो मैंने फिल्मी तौर पे है कि ओम से ओमकारा बनते, कुछ ऐसा है सिचुएशन, मैं अभी नहीं बता सकता। ओमकारा के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक अपनी इंडस्ट्री के टॉप की अभिनेत्री रह चुकी शिखा मिश्रा जी, जो कि अब फिल्म लाइन में प्रोड्यूस करने जा रही है भोजपुरी में, तो हमारे भोजपुरी समाज की भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि एक लेडीज शो के एक हिम्मत जुटाया उन्होंने, एक फिल्म बना रही है, वो भी फिल्म बना रही है इतनी अच्छी और इतनी बड़ी फिल्म बना रही है, उसको मैं उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ। इसमें डायरेक्टर की बात की जाए? जी, डायरेक्टर तो हमारे फेवरेट डायरेक्टर सुजीत कुमार जी हैं, जो कि मेरा एक मैंने उनके साथ काम करने के लिए मैं क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं सुजीत जी के साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, फिर तीसरी फिल्म कर रहा हूँ, चौथी फिल्म कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात करें क्या कट कर दो भाई सबका कैमरा, जी मेरा ठंडी का समय था, जनवरी में रिलीज हुई थी, फिर भी फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं थिएटर में जाता था, थिएटर मालिक से लेके जो फिल्म बाबू होते हैं, हमारे जो पब्लिक है वो फिल्म की बहुत तारीफ की, चलना ना चलना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन रिस्पांस अच्छा रहा। फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? मिशन पाकिस्तान तो रिलीज हो चुकी है, उसको तो सारे दर्शक देख चुके हैं, आप लोग भी देख ही लिए होंगे, उसके बारे में अब नेक्स्ट फिल्म के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगा। खबर ऐसी थी कि मिशन पाकिस्तान में 60 गाड़ियों का काफिला आपका यूपी बिहार में चलता था? नहीं, काफिला नहीं चलता था, वो दर्शक का हमारा प्यार था, जहाँ जाता था वहाँ पे सारे हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक है वो आते थे। मैं मना भी करता था कि भैया इतनी क्या, तो बोला कि नहीं भैया हम लोग सपोर्ट में, हमारे बिहार की सारी ऑडियंस सपोर्ट में थी, वो लोग हमारे प्यार दुलार देते थे और साथ दिया उन्होंने और फिल्म को ग्राफ ऊपर ले गए थे। आज शिखा मिश्रा जी का बर्थडे है, क्या विश करना चाहेंगे? आपके कोई स्टार भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। जी, सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे शिखा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज उनकी जन्मदिन है और आज हम लोग 2 गाने शूट यहाँ पे किए और बेहतरीन तरह से शूट हुआ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्थडे गिफ्ट क्या दिया उनको आपने? वो सरप्राइज है, बर्थडे गिफ्ट सरप्राइज है, अभी देना है। अभी सुने हुआ कि एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में आपने उनको और उनको उन्होंने आपको दिया है एक के रूप में। हाँ जी, ये है हम लोग नेक्स्ट, इसमें एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो शिखा जी के साथ काम करने का इसमें मौका मिला है, वो बोलिंग प्रिंस जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसमें वो सॉन्ग कर रही है, उसके बाद भी एक फिल्म है जिसमें कि हो सर हम अब वो गाना पे वो।